देख रहे हैं P21 न्यूज़ चैनल। आज की मुख्य खबर, मेघा पुंडीर ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में थर्ड रैंक लाकर कॉलेज व जनपद का नाम रोशन किया। जनपद सहारनपुर गांव पुवार का निवासी प्रदीप पुंडीर व उनकी पत्नी बबीता ने अपनी मेहनत व लगन से उनकी पुत्री मेघा पुंडीर ने जनपद में UP बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में थर्ड रैंक लाकर अपने गाँव पुवार का व जय भारती इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया। मेघा ने बताया कि इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन, दादाजी गोपाल ठाकुर और चाचा जी संदीप पुंडीर व मेरे कॉलेज के शिक्षक और प्रधानाचार्य का बार बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने अपने कॉलेज व माता पिता का नाम रोशन किया है। मेघा ने बताया कि मेहनत व लगन गरीबी और अमीरी नहीं देखती और आगे भी मैं अपने परिवार, अपने गाँव व अपने जनपद का नाम रोशन करने के लिए इसी तरह से प्रयास करूँगी। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मेघा पुंडीर है। अच्छा, कौन से गांव से आप? कुमारका से। कौन से जिले में पढ़ता है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कौन से स्कूल या कॉलेज में आप छात्र हैं? जय भारत इंटर कॉलेज कुमारका। अच्छा, तो बताइए मतलब कितने परसेंटेज आई है आपकी? 87.40%। अच्छा, तो आपने जिले में टॉप किया है? जी, थर्ड रैंक। तो इसका जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? सब कुछ मेरी फैमिली वालों को ही जाता है। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सभी ने मिलकर बहुत सहायता की है। किसी ने टोका नहीं दिया हमें पढ़ने से, उन्होंने बहुत मदद की है। अच्छा, जैसे कि आपने जिला टॉप किया है तो अब आगे आपका क्या सपना है? देश की सेवा में आप किस तरह से वो करेंगे? सर, मैं PO बनना चाहती हूँ। मैं PO की तैयारी करूँगी और मैं ग्रेजुएशन BCOM से करूँगी। इसका श्रेय मेरे माता पिता, दादा दादी और इसके साथ साथ मेरे प्रधानाचार्य जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ और इसी के बदौलत आज मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। गांव के साथ साथ आपने और नाम कहां का रोशन किया है? मैंने जिले का, देश का भी नाम रोशन किया है और अपने माता पिता, गुरुजन सभी का नाम रोशन किया। चाचा लगते हैं। अच्छा, चाचा लगते हो, तो आपके भतीजे ने मतलब जो है आपका नाम रोशन करा है, परिवार का, गांव का, जिले का, यहाँ तक कि देश तक का। तो आप क्या और आशीर्वाद इन्हें देना चाहोगे? मैं तो यही आशीर्वाद दूँगा, जो इसकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, जो नौकरी करना चाह रहे, बैंक में जाना चाह रहे। अच्छा, अगर इन्हें मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रकार की भी, तो आप उसमें करेंगे? जितना हो सके जी सहयोग करेंगे। आपका? मेरा नाम बबीता है। अच्छा, तो आपकी जो लड़की है मेघा, इसने जिला टॉप किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है जी। तो इसमें मतलब जो है आपने इसे पूरा सहयोग करा है कि खूब अच्छी तरह से पढ़? हाँ जी, इसको बहुत सपोर्ट किया मैंने, क्योंकि मैं कभी इनसे काम ही नहीं कराती कुछ भी, बस सारा दिन पढ़ाई के बारे में ही करती रहती हूँ कि भाई पढ़ो। इसने बहुत मेहनत की, 12-12 घंटे तक पढ़ाई की है अपनी। मेरा नाम तनु पुंडीर है। अच्छा, मेघा आपके क्या लगते हैं? मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, छोटी सिस्टर। हाँ, है तो आपकी सिस्टर ने जो है बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, देश का, जिले का। हाँ, आपके गांव का, आपके परिवार का, आपके स्कूल का। तो आप बहन के रूप में और क्या इन्हें सहयोग करोगे? सर, मैं पूरा सहयोग करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरी सिस्टर ने ऐसा किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि दोनों में से कोई भी निकले, तो मैं तो सर कर नहीं पाई क्योंकि मेरा तो सर 8th रैंक बनी थी टॉपर में डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसने और अच्छे से आके नाम रोशन किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और जितना इसे सहयोग चाहिएगा मैं हेल्प करूँगी। सर, कौन सा रैंक है इनका? सर, इसकी 3rd रैंक है। अच्छा, एक्चुअली बताइए घर के काम काज में, हाँ जी, आप घर का काम इनसे ज़्यादा कराएंगे या आप इनका सहयोग करेंगे? सर, हम तो दोनों ही नहीं करते, मम्मी करने ही नहीं देती। लगती? मेरी पोती लगती है। अच्छा, आपके पोती ने आपका नाम रोशन किया है, गांव का, जिले का, देश का। तो और आप इसे क्या और आशीर्वाद देना चाहेंगे? और आशीर्वाद तो हम यही कहेंगे जो अपने दिमाग के अनुसार जिस साइड में इसका दिमाग चलता है और देश का नाम रोशन करें। आगे की पढ़ाई में आपकी तरफ से क्या इसे सहयोग मिलेगा? जो भी सहयोग चाहिए लड़के को सहयोग मिलेगा। चाचा लगते हो? अच्छा, चाचा लगते हो, तो
आपके भतीजे ने मतलब जो है आपका नाम रोशन करा है, परिवार का, गांव का, जिले का, यहाँ तक कि देश तक का, तो आप क्या और आशीर्वाद इन्हें देना चाहोगे? मैं तो यही आशीर्वाद दूँगा, जो इसकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, जो नौकरी करना चाह रहे हैं, बैंक में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर इन्हें मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रकार की भी, तो आप उसमें करेंगे? जितना हो सके जी सहयोग करेंगे पूरे। आपकी पोती मेघा ने जिले का नाम रोशन कराया है, तो क्या आशीर्वाद देंगे? माँ बाप का, दादी बाबा का, सभी का आशीर्वाद है, और पढ़ रही है और आगे भी कुछ करा है आपके आशीर्वाद।